वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपके EVS के बेटे 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 क्या है? किस पर पकाएं, किस में खाएं। चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। सबसे पहले आपने भी अपनी बुक ओपन कर और जैसे मैं पढ़ते हुए अपना पेन ऐसे ऐसे चलाऊंगी, आपने भी कुछ पेन या पेंसिल ले लेना है साथ में, या फिर आप उंगली से भी जो भी मैं शब्द बोलूं उसके साथ साथ आपने यूँ पढ़ते हुए जाना है, ताकि आपको यूँ लगे कि आप अपने ही क्लास बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी हुई है। उसका सुंदर डिज़ाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई, और हाँ तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई। देखो आरती के हाथ पर, ये जो लड़की है इसका नाम है आरती, आरती के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है ना, और ये दूसरी लड़की है शिवानी। शिवानी से पूछ रही है कि आरती इतनी सुंदर मेहंदी कहाँ से लगवाई और तुम कल स्कूल में क्यों नहीं आई थी, है ना। आरती और शिवानी आपस में बातें कर रही हैं। अब जो आरती बात बोलेगी वो आरती उसके आगे लिखी गई हैं उसकी बातें, और जो शिवानी कह रही है वो उसके आगे लिखी गई हैं। चलो देखते हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। आरती बोल रही है, शिवानी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी की शादी में गई थी। फिर शिवानी क्या कहती है, अच्छा वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए होंगे। आरती कहती है, हाँ बहुत मज़ा आया, वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी, हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शिवानी कहती, अच्छा और क्या क्या खाया। हाँ बताती हूँ, लो आधी छुट्टी हो गई, पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। फिर शिवानी कहती है, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। फिर आरती क्या कहती है, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ चाहिए, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने चाहिए, शिवानी पूछ रही है। आरती कह रही है, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। देखो बेटा, जब खाते हो, खाना खाने से पहले आपको कहा जाता है ना, हैंड वॉश करो, साबुन से अच्छी तरह से हैंड वॉश करो, क्योंकि जब हम हाथों को सिर्फ पानी से या फिर मिट्टी से धोने की सोचेंगे ना, तो वो जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हैं वो अच्छे से खड़ी होंगे, ठीक है। और वो कीटाणु आप जब आप खाना खाएंगे तो आपके हाथ के थ्रू आपके पेट में चले जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले साबुन से हमें अच्छी तरह हाथ जरूर धोने चाहिए। लेकिन जो ये शिवानी है ये क्या बता रही है कि मैं तो पानी से धो लेती हूँ या मिट्टी से धो लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवानी को भी बताओ और आपके कोई फ्रेंड हैं जो ऐसा करते हैं तो उनको भी बताओ कि ऐसा नहीं करना है, साबुन से अच्छे से हाथ धोने। अब वो आरती शादी के बारे में बता रही है। शिवानी कह रही है, हाँ बताओ आरती। शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना, एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे, तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी, दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेजों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। ऐसा ही होता है ना बेटे, शादी में हम देखते हैं कुछ ऐसा ही सीन होता है। आगे देखते हैं। आरती ने शादी में के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है? और ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने कौन कौन से चूल्हे होते। सबसे पहले तो गैस चूल्हा, ऐसा होता है ना चूल्हा सबके घर में। और अब मिलान करना है हमने कि ये जो चूल्हा है ये जलता कैसे है, किस चीज़ का यूज़ करके हम इसका इसको ओवन करते हैं। तो इसको हम यूज़ जब कर सकते हैं जब इसका कनेक्शन सिलेंडर से होगा, तो आप इसका मिलान सिलेंडर से करें। फिर आ गया स्टोव। स्टोव को हम कैसे चलाते हैं, मिट्टी के तेल से।
तो इसका मिलान आप मिट्टी के तेल से करेंगे। फिर ये आ गया सिगड़ी। सिगड़ी इस तरह बेटे, जो सिगड़ी होती है वो इस तरह से होती है, ये लोहे या स्टील या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। फिर इसमें कोयले भरे जाते हैं, कोयले से फिर इसमें आँच की जाती है, जिसपे हम फिर खाना बनाते हैं। तो हम सिगड़ी में कोयले का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ गया चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी का चूल्हा हम कैसे जलाते हैं, लकड़ी का ईंधन यूज़ करके। तो आप इस मिट्टी के चूल्हे का मिलान करेंगे लकड़ी से, लकड़ी का ईंधन यूज़ करते हैं ना। फिर ये आ गया आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर जो होता है बेटे, ये धूप में रखा जाता है ये कुकर, और इसमें खाना पक जाता है। तो सोलर कुकर जो है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सन की, सूरज की, जिससे ये काम करता है, ठीक है। इस तरह से आज आपने अलग अलग तरह के चूल्हे देखे, जो हालांकि आपने पहले भी देख रखे होंगे, और उनको जलाने के लिए यूज़ होता है वो ये है, ठीक है। ये दो पेज हैं बेटा, 39 और 40, जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।